आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे गोरखपुर के 16 मेडिकल के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से की मुलाकात। कहा, यूक्रेन से बच्चों की सकुशल वापसी मोदी सरकार की है संवेदनशीलता। वापस आए विद्यार्थियों के करियर पर भी विचार कर रही है यूपी सरकार। यूपी के 2290 में से सकुशल लौट चुके हैं 2078 छात्र। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। कहा, काउंटिंग एजेंट व प्रेक्षक के सामने सकुशल संपन्न होगा मतगणना। अधिकारियों की लगाई गई है ड्यूटी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी संतोष यादव सनी को बनाया गोरखपुर जनपद का मतगणना प्रभारी। संतोष यादव सनी मीडिया से हुए रूबरू। कहा, समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जिससे बचाया जा सके लोकतंत्र को। सीएम योगी संग हेलीकॉप्टर में बैठकर गदगद हुए बच्चे। लखनऊ लौटते समय एमपी पॉलिटेक्निक हेलीपैड पर बच्चों से मिले मुख्यमंत्री। बच्चों को चॉकलेट देकर दुलारा, बातचीत की। बच्चों ने सीएम को भेंट किया गुलाब का फूल। मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति या प्रत्याशी का वाहन नहीं किया जाएगा पार्क। 100 मीटर पहले ही वाहनों के पार्किंग की गई है व्यवस्था। एसडीएम सदर ने दी जानकारी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी व एसएसपी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, मतगणना को संपन्न कराने के लिए लगाई गई है 2500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। 10 मार्च को सकुशल संपन्न होगा मतगणना। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों को किया ब्रीफ। दिया मतगणना को शांतिपूर्वक निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने का सख्त निर्देश। भोले भाले नागरिकों को बहला फुसला कर चोरी करने वाले 4 शातिर गड्डीबाजों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 700 ग्राम गांजा, चोरी के जेवरात व रुपया किया बरामद, भेजा जेल। निबंध व रंगोली प्रतियोगिता का गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया प्रतिभाग। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को 13 मार्च को किया जाएगा सम्मानित। गोरखपुर में बुधवार को पाए गए 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 226। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और मतगणना वाले दिन 10 मार्च को शराब की दुकान रहेगी बंद। एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने दी जानकारी।